17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दिया गया 400 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुत के। कांग्रेस तो खत्म हो गया यहां से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस कांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहां निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है, कहां से उठा के ले आते खड़गे? अगर किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर महागठबंधन यानी कि INDI गठबंधन में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ से जदयू लगातार दबाव बना रही है और लगातार अपने दावे पर जो है अभी भी मौजूद है, बरकरार है। कई उनके नेता और नीतीश कुमार के खास मंत्री भी बयान दे चुके हैं और अब बिहार के दूसरे जिले से भी लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। जदयू के बड़बोले विधायक लगातार अपने उल्टा सीधा बयान को लेकर राजनीति में गर्माहट पैदा करने वाले गोपाल मंडल ने एक बार फिर से कहा कि हम अपने 17 सीट पर तो मजबूती से कायम है और सीट छोड़ने का सवाल कहाँ है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार ही है, तो हम लोग भाई उससे कम नहीं आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है, इतना तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जानने और सुनने और समझने तक को उन्होंने नकारा है और साफ साफ कहा है कि बिहार में कोई नहीं जानता है। इसके अलावा क्या कुछ सीट बंटवारे को लेकर गोपाल मंडल बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। क्या सीट चाहिए? गठबंधन के अंदर 17 सीट जदयू मांगी है और कांग्रेस का कहना है कांग्रेस नाराज ना। सुनिए, 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार नहीं है सबका नाराजगी दूर, नीतीश कुमार है तो सबको नाराज करते हैं। अरे सीटवा किस दिन लेके बिहार का 400 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 400 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुत के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है, वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस को लड़ना। जो कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस कांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में जरा बता दीजिए तो? कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है नीतीश कुमार है, जदयू है, RJD है, ये बड़ी पार्टी है। आने पे चर्चा नहीं हो रही है, लगातार मीटिंग तो हो रहा है इंडिया गठबंधन का। देखिए नीतीश कुमार ऐसा कोई बात नहीं है को सोचते हम प्रधानमंत्री बनाते, तो संयोजक बनावे नहीं बनावे, इनका काम था इंडिया गठबंधन तैयार कर दिया अपने बलबूते पर। अब वो कोई माने या नहीं माने इससे कोई नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला? अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है, इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए, इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहां से उठा के ले आते खड़गे? अगर किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। तो अभी आपने जदयू विधायक गोपाल मंडल को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि बिहार में कांग्रेस की कोई कहीं पकड़ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म हो गया। साथ ही साथ उन्होंने
खास करके भागलपुर को लेकर उन्होंने कितना कुछ कहा है आपने खुद सुना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इधर उनकी कोई पकड़ नहीं है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा जो भागलपुर से ही आते हैं, पूर्व में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, उन पर तो गंभीर आरोप भी लगाया है। इसके अलावा और उन्होंने विपक्षी एकता पर किस तरीके से कहा है, उनका साफ साफ कहना है कि अगला पीएम के रूप में नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। वह एक ऐसा चेहरा है जो पूरे देश में बच्चा बच्चा सब लोग जानता है, खड़गे को कौन जानता है। जैसा कि आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा में चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर? जिस तरीके से विपक्ष में लगातार अभी से ही सुगबुगाहट हो गई है, दावेदारी हो गई है, लगातार नेता बयान दे रहे हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बैठक या सूचना अभी तक नहीं आई है। फिलहाल आप गोपाल मंडल को सुन रहे थे, लाइव बिहार के साथ बने रहिए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।